अचानक से घर में मेहमान आ जाएं तो उनके लिए ये टेस्टी सा चावल का ये नाश्ता बनाइए, जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और झटपट से बन जाता है और खाने में तो इतना टेस्टी है कि सारे मेहमान आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, द सरताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चावल से बनने वाला इजी और टेस्टी स्नैक्स, तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है जिसमें डालेंगे हम 2 कप पानी। गैस को मैंने यहाँ पे अभी ऑन नहीं किया है, तो 2 कप भी पानी का इसमें डाल देते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी। अब गैस को ऑन कर देते हैं और इस पानी को गर्म होने देते हैं। हमें तेज़ गर्म पानी चाहिए, यानी उबलता हुआ पानी चाहिए, तो इसे हम उबलने देते हैं। पानी उबलने लगा है, अब इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप खाते हो उसे डाल दें और इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चावल का आटा। आपने जिस कप या कटोरी से पानी को नापा है उसी से ही चावल को भी नापें। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और धीरे धीरे चावल का आटा डालते हुए इसे घुमाते रहेंगे, कंटिन्यू घुमाएंगे ताकि इसमें लम्स न पड़े। जब सारा आटा पड़ जाएगा तो गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर दें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ड्राई होने लगता है, तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चारों तरफ से इसे घुमाते हुए हम मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे, इस वक्त गैस की आंच को हमने बिल्कुल लो किया हुआ है। जब इस तरह से पूरा मिक्स हो जाए तो इसे हम ढक के रखेंगे 2 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पे। और सिर्फ 2 मिनट के लिए रखना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है। तो इसे 2 मिनट हम ऐसे ही रहने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, गैस की फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है, पर अभी हमें इसे प्लेट से ढककर ही रखना है और इसे हम साइड में रख देते हैं। और इसके लिए अब हम फिलिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन कर दिया है पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखा है। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच साबुत धनिया डालेंगे और 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। इसे धीमी आंच पर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। ध्यान रहे, गैस की आंच बिल्कुल धीमी रहे वरना ये मसाले जल जाएंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक, ये कद्दूकस किया हुआ अदरक है, तो इसे अदरक को हम थोड़ा सा लाल होने देंगे। देखिए अदरक लाल हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सबको हम कुछ सेकंड के लिए धीमी आंच पर इस तरह से भून लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। ये आलू बॉयल हैं, तो इसे अब हम इस तरह से तोड़ के डाल देते हैं। इस तरह से ही हाथों से ही क्रश करके डालें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मसाला देखिए हमने बहुत ही कम ऑयल में बनाया है। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हरी मिर्च कटी हुई ली है, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। इसमें से कोई भी मसाला आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ऊपर से डालेंगे हम ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का स्वाद इस मसाले में बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो इसे आप ज़रूर से डालिएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। तो ये आलू की फिलिंग तैयार हो गई है।
गैस को बंद कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए अब चावल का आटा चेक करते हैं। चावल का आटा अब तैयार है। देखिए अभी ये गर्म है, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है और हमें अभी इसे पूरा ठंडा करना भी नहीं है। जब ये हल्का गर्म हो उसी समय ही हमें इसे निकालना है। तो इसे मैंने एक परात में इस तरह से ट्रांसफ़र कर दिया है। अगर ये पूरी तरह से ठंडा हो गया तो ये अच्छे से मसलेगा नहीं। तो ये देखिए इस वक्त भी ये अभी काफ़ी गर्म है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल, और क्योंकि ये चावल का आटा अभी गर्म है तो यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन हाथ में पहन ली है। तो आप भी इसी तरह से हाथों में पॉलीथीन पहन के करें इस तरह से, और इसे हम अच्छे से 5 से 7 मिनट तक इस तरह से मसलेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इस तरह से मसलते हुए, ये देखिए अच्छे से मैंने इसको मसल लिया है। अब काफ़ी ठंडा हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। सारे आटे की इस तरह से बना के रख देंगे, और जब हम इसमें फिलिंग भरेंगे तो ध्यान रहे आपको ये लोइयाँ पन्नी में डाल के रखनी है ताकि ये सूखे ना। अगर ये ड्राई होने लगी तो ये अच्छे से फैलेंगे नहीं। तो अब मैंने यहाँ पे एक लोई ली है, इस तरह से आप हाथ पे रख के इसे चारों तरफ से फैलाएंगे। प्रेस करते हुए देखिए इस तरह से हम फैला देंगे। और जो मैंने आलू का ये फिलिंग बनाया था उसे थोड़ा सा लेते हुए इस तरह से बीच में रखेंगे और चारों तरफ से चावल की लोई को इस तरह से प्रेस करते हुए ऊपर से फिलिंग को भी दबाते जाएंगे और इस तरह से इसको बंद कर देंगे। ये इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दबाते जाएंगे। बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस तरह से हम इसको गोल करके रख देंगे। ये देखिए इसी तरह से ही हम बाकी के भी बनाएंगे। तो मैं एक और बना के आपको दिखा रही हूँ। हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए बंद कर देंगे और इसे पैक कर देंगे। बाकी की लोइयों को जब तक हम फिलिंग भरेंगे तब तक इसे किसी पन्नी में डाल के रखें, वरना ये ड्राई हो जाएंगी। तो इस तरह से हमें सारी तैयार करनी है। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उसमें हम ऑयल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना है, बस 5-6 चम्मच ऑयल डाल देना है और इसको मीडियम आंच पे रख देंगे। अब इसमें हमने जो ये लोइयाँ बनाई थी फिलिंग डाल के उसे डाल देंगे। एक कढ़ाई में जितनी आप आएँ उतनी ही डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए 8 ये लोइयाँ आ गई हैं। इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल में और डाल दे रही हूँ। तो हमें इसे मीडियम आंच पे धीरे धीरे ही सेकनी है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं सेकनी है। ये देखिए इस तरह से टर्न करते हुए धीमी आंच पे इसे सेकना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन न हो जाए। तो ये देखिए सारी सिक्के तैयार हो गई हैं। लगभग 5 से 7 मिनट ही लगे हैं मुझे इन सबको सेकते हुए। ये देखिए कितनी प्यारा कलर आया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी के भी इसी तरह से हम सेक लेंगे। तो देखिए गर्मा गर्म चावल का ये स्नैक्स तैयार है। बहुत ही टेस्टी और देखने में इतना लाजवाब है ये, और स्वाद तो क्या ही कहने, बहुत ही टेस्टी होता है ये। इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए वाओ, बहुत ही स्वादिष्ट। आप इसे अपने घर में ज़रूर से बनाइएगा, और ये स्नैक आप बच्चों को स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्थी स्नैक है ये। तो इसे आप अपने घर में ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक सरितास किचन के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।